तो आज हम लोग जाने वाले हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में ग्रैनी ग्रैंडपा और स्लेंड्रीना के घर पे। तो गाइस आओ मैं आप लोगों को एक मस्त सी चीज दिखाता हूँ मेरे घर के बाहर। यहाँ पे मेरे घर के पीछे आप देखोगे कि इधर इतनी सारी सुपर कार्स और मस्त मस्त गाड़ियाँ रखी है, फरारी, मस्टैंग, सुपरा, फॉर्चुनर, इंडिवर और इतनी सारी बाइक्स। अब ये आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कैसे आई? तो भाई मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हो चुका हूँ, कैसे बताता हूँ। तो रास्ते पे चलते हुए आओ मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी की हुआ क्या। तो मेरी एक जमीन थी एयरपोर्ट के पीछे, ठीक है, बहुत सालों से, और अब मैंने फाइनली उस पर घर बेचने चालू कर दिए, उसको एक पूरा मोहल्ला बना दिया है क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा बड़ी थी और इतने सालों से बिक नहीं रही थी। लेकिन अब वो सारे घर बिकने चालू हो चुके हैं, मतलब कि ज़मीन पे घर बनने चालू हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों ने घर बनाना चालू भी कर दिया और बहुतों के बन भी चुके हैं। तो आओ मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो वही ज़मीन बेच के यार मैं इतने सारे पैसे कमा पा रहा हूँ, और ज़मीन जो है वो एयरपोर्ट के जस्ट पीछे ही है, इसलिए यहाँ पे इतना पैसा मुझे मिल रहा है। तो ये आप जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ये घर देख रहे हो ना, ये सब मेरी ही जमीन पे बन रहे गाइस, मतलब मेरी नहीं, जो कि अब मैंने बेच दिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे घर मुझे यहाँ पे बेचने हैं। तो देखते हैं अभी यहाँ पे कितना काम चल चुका है, किसने क्या क्या बना लिया है। भाई वैसे यहाँ पे घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं सबके, ये देखो कितने बड़े बड़े घर बना लिए यार कुछ ही महीने में यहाँ पे लोगों ने। और ये स्ट्रीट लाइट तो मैंने लगवाई थी वैसे यहाँ पे, लेकिन अभी और मुझे यहाँ पे काम करवाना है। ये देखो एक ने यहाँ पे छोटा सा घर भी बनाया है, पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग, भाई पूरा का पूरा ऑफिस खुल चुका है। और ये यहाँ पे किसी ने शॉप भी खोल के रखी है घर के साथ साथ, और इधर एक और घर किसी ने थोड़ा सा अलग सा बना के रखा है। ये किसका घर है यार? ये घर तो मुझे बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसने भाई किया क्या है, यहाँ पे इतने सारे पेड़ लैम्प्स के बीच में अपना घर बना के रखा है, और ये पेड़ भी बहुत अजीब से नहीं लग रहे भाई, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है यार। ये किसकी जमीन थी वैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा भाई, इसने घर भी बनाया है लेकिन यार ये कैसा बनाया यार, ये क्या है, इस साइड भी पेड़ भाई, ये क्या पेड़ ही पेड़ लगा के रखे भाई, कर क्या रहा है ये, काला जादू कर रहा है क्या अंदर, ये क्या है भाई इतने सारे पेड़, पीछे देखूं और क्या कर रहा है ये। अच्छा पीछे भी पेड़ भाई, कुछ तो है यहाँ पे, पता नहीं ये क्या चाह रहा है, या तो इसका डिजाइन ही कुछ अलग बनाना चाह रहा है, या कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। वैसे मेरे को याद नहीं आ रहा भाई, एक बार फोन पे चेक करूं किसको बेची थी मैंने, ग्रैंड पासिंग, ये कैसा नाम है भाई, ये क्या है, दादाजी ने नाम कैसा रखा है ये। घर के अंदर चेक करता हूँ, शायद कोई होगा, इनसे ही पूछना पड़ेगा मुझे, कोई है? अरे दादाजी हो क्या अंदर यार, कोई गेट ही नहीं खोल रहा है भाई। छोड़ो वैसे इसका घर, इसका डिजाइन, ये जाने मुझे तो जमीन बेचने से मतलब थी, मैं चलता हूँ अपने घर। तो और भी थोड़ी बहुत मैंने आज जमीन बेची है उसी इलाके में, आ चुका हूँ मैं घर भाई, काफी टाइम हो चुका है, रात ही हो चुकी है, और मेरी कुछ गाड़ियां लग रहा है सर्विसिंग पे भी चली गई है। ठीक है चलो भाई अब चल के सोते हैं। तो आज भी मुझे और एक दो जमीन बेचनी है, उससे पहले आज टीवी देख लेते हैं। यार ये जगह तो कहीं देखी देखी लग रही है, अबे ये तो मेरी जमीन है भाई, यहाँ पे इतनी सारी पुलिस, ये क्या हो रहा है, ये क्या गड़बड़ है यार, मेरे मोहल्ले में इतनी सारी पुलिस क्यों खड़ी है भाई, मैं नहीं फंस जाऊं कहीं। आज मैं सोच रहा हूँ अपनी मस्टैंग लेके चलूं, क्योंकि भाई पुलिस भी आई है तो थोड़ा रौब दिखाना पड़ेगा ताकि पुलिस मुझे आसानी से घेर नहीं ले। चलो आओ फिर देखते हैं भाई क्या चल रहा है लफड़ा इधर, वो भी मेरे मोहल्ले में यार, अभी अभी तो मैं नया नया अमीर हुआ हूँ और अभी से ये सब होने लगा है। वैसे यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ यार खड़ी तो है, लगता है चल के मुझे ही देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इधर, पास चलता हूँ भाई, यहीं पे गाड़ी रोक लेता हूँ। कोई दिख क्यों नहीं रहा यार, मुझे तो इस घर का ही लफड़ा लग रहा है कुछ यार, मुझे कल से ही शक हो रहा था, लेकिन कोई है ही नहीं, ना पुलिस वाले ना लोग। लोग ये क्या है भाई, अरे लोगों की लाशें इधर, तो ये क्या हो रहा है यार, इस घर के पीछे इतनी सारी लाशें क्यों पड़ी थी यार, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी से, रुको रुको रुको, अगर मैं यहाँ से निकला भाई तो पुलिस वाले सोचेंगे मैंने ही कुछ किया है। मैं पीछे के रास्ते से निकलता हूँ यार, और मेरी गाड़ी में यहीं छोड़ देता हूँ भाई, गाड़ी जान दो अभी मुझे फंसना नहीं है किसी केस में, मैं पीछे वाले रास्ते से निकलता हूँ और वहाँ से अपने घर की तरफ जाता हूँ। वो खड़ी है पुलिस और मेरी गाड़ी भी वहीं है यार, एक काम करता हूँ किसी और की गाड़ी उठाता हूँ भाई, यहाँ पे कोई आ भी नहीं रहा। एक तो ये मिला, एक बकरा मिला मुझे, रोको गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, कहाँ जा रहा है, रुक, चलो रोक ली, बाहर निकल, हॉर्न क्या मार रहा है भाई, ये इसको बाहर फेंको, पुलिस वाले देख तो नहीं रहे ना यार, वरना एक और केस में मैं फंस जाऊंगा। अभी निकलता हूँ घर, एक सेकंड अभी याद आया यार, अच्छा याद आया,
भाई मैं ये तो देख लूं कि ये घर किसने लिया था भाई, ये ग्रैंडपा सिंह है कौन। मेरा जो पुराना घर है ना, उसको मैंने ऑफिस बना लिया था और वहाँ पे सारी डीलिंग करता था, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट भी वहीं पड़े हैं जिसको मैंने घर बेचे हैं। तो ये ग्रैंडपा सिंह का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे इसी में से मिल जाएगा, क्योंकि ये गेट तो खोल नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। कहाँ ये रहा, ये कबर्ड में रखे थे मैंने शायद से। ये पंखा क्यों चल रहा है मेरे घर पे यार, कौन चालू करके गया यार? ये कबर्ड लॉक्ड है भाई, इसको क्या हो गया, ये खुल क्यों नहीं रहा? यहाँ पे रखे थे यार शायद डॉक्यूमेंट। अरे यार इधर भी नहीं है भाई, यार मेरे कबर्ड में भी नहीं है, पेपर्स कहाँ चले गए यार? ये पेपर किसी ने गायब कर दिए भाई। ये ग्रैंडपा सिंह का कॉन्टैक्ट मुझे वहीं से मिलना था और कोई तो गायब करके चला गया। अब एक ही रास्ता है, देखो रात हो चुकी है और मैं दिन में ये काम नहीं कर सकता था, रात में पुलिस वाले चले गए होंगे वहाँ से, तो इसलिए मैं रात में जाके भाई उन लोग का गेट खोलने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि भाई चल क्या रहा है ये। चलो अच्छा है, पुलिस वाले तो जा चुके हैं, यहाँ से कोई भी नहीं है, बस यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं घर में। और इस घर में भी मुझे लग रहा है जिस घर में ये सब चल रहा है, ये ग्रैंडपा सिंह अंदर ही होगा। लाइट तो जल रही है, लाइट जल रही है मतलब ये अंदर ही है। ये वाला गेट धक्का मार के देखता हूँ। अरे यार ये तो खुल ही नहीं रहा यार, पूरा बंद करके रखा है। अब तो एक ही तरीका है, कोई देख तो नहीं रहा ना, इसका गेट अब मुझे तोड़ना पड़ेगा, वो भी गन से। तो इधर ही मारता हूँ कुंडे वाली साइड, टूटेगा क्या भाई? क्या गेट बनाया इसने, टूट ही नहीं रहा है। तो देखूँ क्या, ढीला पड़ा तो अगर खुल जाएगा। अरे यार अभी भी कुछ नहीं हुआ है भाई, अब और बड़ी गन निकालनी पड़ेगी। ये गेट छोटा लग रहा है, इस पर ट्राई करते हैं। यार क्या गेट बनाया इसने, टूट ही नहीं रहा भाई, आरपीजी से भी नहीं टूट रहा, स्टिकी बॉम्ब ही अब बचे मेरे पास। इनको मैं गेट पे लगा देता हूँ और फिर इनको उड़ा देता हूँ, तो फिर तो गेट भाई फट ही जाना चाहिए, पूरा टुकड़ों में हो जाना चाहिए। देखता हूँ, अरे यार भाई इसके गेट को कुछ भी नहीं हो रहा यार, ऐसे तो नहीं खुलेगा ये। अरे यार मैं को यार डुप्लीकेट चाबी बनवा लेनी थी, अभी तो मैं निकलता हूँ, कल मैं दोनों चाबियाँ दोनों गेट की भाई लेके आता हूँ, क्योंकि वो तो मैं बनवा लूँगा। अभी निकलना, क्योंकि यार मैंने थोड़ी गोलियाँ वोलियाँ चला दी ना, तो किसी ने सुन नहीं लिया हो और पुलिस को कंप्लेंट नहीं कर दिया हो, इसलिए जल्दी तो पहले अपने घर पहुँचता हूँ मैं, इससे पहले कुछ हो जाए। चलो यहाँ से पुलिस, ओ ये क्या है भाई, पुलिस, पुलिस वाले कहाँ से आ गए? अरे तो मेरे पीछे पड़े भाई। अरे नहीं यार किसी ने लगता है कंप्लेंट कर दिया। अरे यार मैं भूल कैसे गया, वहाँ पे पुलिस वालों ने शायद कैमरा लगाए होंगे यार। नहीं नहीं मैं घर तो जा नहीं सकता, अगर मैं घर गया तो इन लोग को समझ में आ जाएगा कि ये घर ही मेरा है भाई। नहीं मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मुझे कहीं और जाके छुपना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, अरे भाई इतने पास आ गया, इस पार्किंग से जाता हूँ और कहीं और छुपता हूँ। यार ये पुलिस वाले तो बहुत सारे हो चुके हैं यार, सब पीछे पड़ चुके, गोली मार रहा है भाई, गोली नहीं लग जाए मुझे गलती से। ये रैंप मिला है मुझे, एक रैंप मिला है, मैं बिल्डिंग के ऊपर जाके छुप जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक पुलिस वाले मुझे ढूंढते रहेंगे, और जैसे ही यहाँ से चले जाएंगे फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। गए क्या? हाँ मुझे लग रहा है चले गए हैं ये लोग यहाँ से। अब मैं निकलता हूँ अपने घर। तो मैंने अपनी सारी गाड़ियाँ दोस्तों के घर भिजवा दी है ताकि इन लोग को शक नहीं हो। अभी आपको मैं बताता हूँ वो कहानी भी, लेकिन इससे पहले यार ये बाइक मुझे तो चाहिए रहेगी। मेरे पास पेंट रखा है, पेंट स्प्रे रखा है, इस बाइक का कलर चेंज करता हूँ पहले। तो ये मैंने येल्लो कर दी है बाइक, और गाड़ियाँ मैंने इसलिए भिजवा दी क्योंकि अगर मैं गलती से पकड़ाता हूँ तो मेरी सारी गाड़ियाँ भी जब्त हो जाएंगी, जो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए अभी के लिए उनको मैंने सेव करवा दिया है। अभी हम लोग चलते हैं, सोते हैं और कल चाबी का जुगाड़ लगाता हूँ। तो चाबी मेरी बन चुकी है, चाबी वाले से मैंने बोल दिया था, उसने रख दी है लोकेशन पे, मुझे बस वहाँ पे जाके उठानी है। आया मैसेज आया मुझे, ओके तो ये रखी है इधर पे, यहाँ से मेरे को लेनी है। ये मुझे कंस्ट्रक्शन साइट की ईटें लग रही हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे आ चुका हूँ मैं। और वो जो फोटो थी वो बिल्कुल ही लेफ्ट वाली बिल्डिंग की लग रही थी, जो कि ये है सबसे ऊंची क्रेन का हुक जहाँ पे आ रहा है। रैम तो दिख रहे हैं मुझे वैसे, जहाँ की फोटो आ रही थी ये वाली ईट थी क्या, इसके पीछे की थी क्या वो फोटो? नहीं नहीं शायद ये वाली नहीं थी। अब तो मैं टॉप फ्लोर पे ही आ चुका हूँ यार। अच्छा ये रही ईटे, फाइनली मिल गई है मुझे, यहीं पे रखी है चाबी। तो चाबी उठा ली हमने, अब रात होने का वेट करते हैं ताकि दिन में किसी को पता नहीं चले कि हम लोग ग्रैंडपा सिंह के घर जा रहे हैं। रात हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ इस ग्रैंडपा सिंह के घर, क्योंकि ऐसे तो ये गेट खुलने वाला नहीं है। डुप्लीकेट चाबी लेके अब मैं इसके घर में घुसूंगा और फिर भाई इसको समझाऊंगा कि ये क्या चल रहा है भाई, मुझे भी बता पहले तो कि ये क्या है, ये लाशें पड़ी हैं, पुलिस आ रही है, हो क्या रहा है भाई तेरे घर पे। चलो
ये क्या घर है इसका? यार घर में ये क्या है भाई? ये घर के बेसमेंट में आ चुका हूँ क्या मैं? भाई ने घर बनाया कैसा है भाई? और ये घर के नीचे इसने खुदाई क्यों करके रखी है? यार ये सब की परमिशन तो मैंने नहीं दी थी। सीढ़ियाँ भी जा रही है नीचे, ये चल कर है भाई ट्रेन। अब इसने ट्रेन क्या है भाई, ये क्या करके रखा है? ये क्या था? मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ इधर, पता नहीं क्या था। रुको यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, ये क्या है? ये रोबोट वोबोट भी रखे है घर में? लगता है ऊपर वाले फ्लोर पे ही चल के देखना पड़ेगा, नीचे तो मुझे कुछ ऐसा खास दिखा नहीं है। यहाँ से किसी की आवाज ही क्या? अरे बुढ़िया, अरे तो ग्रैनी है भाई। ग्रैंडपा सिंह यही थे क्या? ग्रैनी और ग्रैंडपा भाई, ये ग्रैनी सिंह और ग्रैंडपा सिंह नहीं है, ये तो भूत ग्रैनी और ग्रैंडपा है। अब समझ में आ रहा है मुझे सारा खेल। ये क्या है, भूतनी भाई? स्लेंडरीना भूत है ये तो? इसके तो सिर्फ मैंने चर्चे सुने थे, ये सच में होती है? भाई यार मैं भूत के घर में घुस चुका हूँ, और खासकर ग्रैनी ग्रैंडपा के भूत वाले घर में। यार मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे निकल भी नहीं सकता। इन लोगों को मैं जिंदा छोड़ नहीं सकता, मुझे मारना पड़ेगा इन दोनों को। अरे यार इसने देख लिया ग्रैंडपा ने, इनके ऊपर वाले फ्लोर में होगा शायद कुछ। अच्छा हाँ, मुझे अभी याद आया भाई, ग्रैंडपा के हाथ में एक शॉटगन थी। ग्रैंडपा कहाँ है? मुझे ग्रैंडपा को ढूंढना होगा। और ये तो सो रहा है इधर भाई, क्या मौका है, इसकी शॉटगन यहीं पड़ी, उठाओ, नींद में है ये, यहीं मार दो इसको भाई। गया ग्रैंडपा, गया। और ये ग्रैनी भी सामने से आ रही है, इसको भी मारो भाई। दो ही गोली थी, मैंने दोनों को उड़ा दिया। अब जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से भाई, फेंको इनकी गन। और एक तो भूत है भाई, भूत से मैं नहीं लड़ रहा, भूत से तो लड़ ही नहीं सकते, उस भूत से मुझे बच के निकलना है। और गेट भी शायद से मिल चुका है मुझे। अरे आ गया बाहर भाई, फाइनली। क्या है यार ये भूतिया घर, लेकिन मैंने मार दिया उन दोनों को, भूत का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से निकलता हूँ बस जल्दी से। तो फाइनली मैंने इन दोनों को मार दिया, स्लेंडरीना का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी मज़ेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसको मारें। और अगर मेरी पिछली वीडियो देखनी हो आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।